हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन प्रिया कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैदे की खास्ता कचौड़ी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और उसका स्वाद ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने डो को तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन लिया है और उसके अंदर एक चलनी रखा है और चलनी के अंदर हम मैदे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी कंकड़ या पत्थर ना निकले। तो यहाँ पे मैदा काफ़ी अच्छे से स्ट्रेन हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैदे की क्वांटिटी है 1.5 kg। यहाँ मैंने 1.5 kg मैदा लिया है क्योंकि यहाँ हम पूरे परिवार के लिए बना रहे हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड किया है 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मंगरैला और यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट हमें नमक ऐड करना है। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 से 3 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ऐड की है। बेकिंग सोडा हमारे कचौड़ी को काफ़ी खास्ता बनाता है और हमारे पाचन में भी काफ़ी सहायता करता है। तो यहाँ पे अब हमने 200 ml रिफाइन ऑयल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तो ध्यान में रहे दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1.5 kg मैदा लिया है और 200 ml ऑयल लिया है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि एकदम पर्याप्त मात्रा में डाली जा रही है। तो अब हम मैदे को काफ़ी अच्छे से मिलाएंगे इसके साथ ताकि ये और भी खास्ता बने। जब तक ये अच्छे से नहीं मिलता है तब तक कचौड़ी खास्ता नहीं बनती है। तो हमें इसे एकदम मसल मसल के अच्छे से मिलाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मुट्ठी बनने लगी है, इसका मतलब है कि मैदा रेडी है। तो चलिए अब हम इसका डो बनाते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एकदम गुनगुना पानी लिया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। इससे डो काफ़ी मुलायम बनता है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बार में हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो हमारा डो गीला हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अंदाज से इसका काफ़ी अच्छा सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखी कैसे किस तरीके से यहाँ पे डो बनाना शुरू किया है। अगर आप बिगनर हैं कुकिंग में तो आप एक बारी में ज़्यादा पानी ना डालें, लेकिन अगर आपको अंदाज है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमने इसको अच्छे से मिलाते हुए डो बनाना है। ये देखिए यहाँ पे लगभग डो बन चुका है। अब इसमें थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है जो कि अभी बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ किस तरीके से डो को बनाना शुरू किया है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, आपका डो भी काफ़ी अच्छा बनेगा। और याद रहे दोस्तों, हमने डो को सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना, नहीं तो हमारी खास्ता कचौड़ी खास्ता बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे डो का ऊपरी सतह काफ़ी चिकना हो गया है, मतलब कि हमारा डो रेडी है। तो चलिए अब हम इसको गीले कपड़े में भिगो के रख देते हैं। तो यहाँ मैंने सूती कपड़ा लिया था और अब इसको हल्का भिगो के इसको अच्छे से ढक देंगे ताकि ये टाइट ना हो। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि इसमें अच्छा फर्मेंटेशन हो और ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ सत्तू को लिया है और सत्तू हमने यहाँ पे 250 ग्राम लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ 250 ग्राम सत्तू ले लिया है। तो चलिए अब इसको रेडी करते हैं। तो सत्तू को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ 5 से 6 हरी मिर्च कट कर ली है। 2 मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने कट किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कट किया है। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कटा हुआ अदरक लिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन भी 1 टेबल स्पून लिया है। लहसुन और अदरक सत्तू में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लाता है। और यहाँ मैंने 2 नींबू लिया है और नींबू के रस को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, जो कि सत्तू में डालने से उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ाता है और काफ़ी चटपटा लगता है। तो चलिए अब हम सत्तू को रेडी करते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन जो हमने कट कर लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है इसमें कटा हुआ अदरक। अदरक ऐड करने के बाद हम इसमें मिर्ची ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी मिर्ची ऐड कर ली है। इसके बाद बारी आती है प्याज की। तो यहाँ मैंने कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे कटिंग
वेजिटेबल्स को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं नींबू का रस, और यहाँ पे हम स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा चम्मच अजवाइन डाला है। अजवाइन इस सत्तू के टेस्ट को काफ़ी अच्छा बनाता है और काफ़ी मज़ेदार बनाता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल का जो झांस आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो सत्तू के अंदर जब इसका टेस्ट आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इसके टेस्ट को बनाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सूखा सूखा हमारा सत्तू लग रहा था, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये एकदम कंपल्सरी है, नहीं तो सत्तू में मज़ा नहीं आता है, वो एकदम सूखा सूखा लगता है और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे खस्ता कचौड़ी की फिलिंग के लिए सत्तू एकदम बन के तैयार है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 घंटा कम्प्लीट हो जाने के बाद हम ढक्कन को हटाएँगे और उसके बाद हम डो के ऊपर से गीले कपड़े को भी हटाएँगे। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, इसका कलर कितना चेंज हो गया है। तो आप घबराइए मत कि ये गीला हो गया, ये गीला बिल्कुल नहीं हुआ, एकदम सॉफ्ट है। और अब मैंने यहाँ से डो का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है और अब इसकी मैंने एक अच्छी सी लोई बनाई है। आप लोई बनाते हुए ध्यान देंगे कि ये काफ़ी चिकना हो, नहीं तो बाद में ये फट जाता है। और लोई को हम ऐसे इस कटोरी के आकार का देंगे ताकि हम इसमें सत्तू को अच्छे से फिल करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस तरीके से बनाया है। अब इसमें हम थोड़ा सा सत्तू ऐड करेंगे और इसको ऐसे पुश करते हुए इसका अच्छा सा फिलिंग रेडी कर लेंगे। और इसको हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छे से इसको बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी खस्ता कचौड़ी कितने अच्छे से बन के तैयार हो गई है। इसी प्रोसेस के साथ हमने सारे कचौड़ियों को अच्छे से बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है, और कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें 500 ml तेल ऐड करेंगे। तेल हम इसमें इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से फ्राई हो, नहीं तो ये कढ़ाई से जब चिपकेगा तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा और एक तरफ से कच्चा और एक तरफ से पका हुआ रह जाएगा। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है दोस्तों। तो अब हम इसमें कचौड़ियों को ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे सारी कचौड़ियाँ ऐड की है। इसको तलते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे गैस का फ्लेम मीडियम हो, क्योंकि हाई फ्लेम पे कचौड़ियाँ तलने से क्या होगा कि वो ऊपर से तो लाल हो जाएंगी पर वो अंदर कच्चा रह जाएगा। कुछ देर के बाद हमने इसे दूसरी साइड पे पलट देना है ताकि ये दोनों साइड पे अच्छे से पक जाए। इसको तलने में लगभग 10 मिनट लगता है, तो हमें एकदम पेशेंस के साथ इसको तलना है क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये एक साइड से और पक जाए तो फिर हम इसे दूसरी साइड पे पकाएंगे। तो यहाँ पे इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी खस्ता कचौड़ी एकदम तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको तेल से बाहर निकालेंगे। इसको मैंने यहाँ पे हॉट पॉट में रखा है। धीरे धीरे करके हमने सारे कचौड़ियों को बाहर निकाल लेना है और इसका लुत्फ़ उठाना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी खस्ता कचौड़ी एकदम बन के है तैयार। तो है ना बनाना इसको बिल्कुल आसान। बरसात का मौसम हो और आपका मन हो खस्ता कचौड़ी खाने का, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर बनाएं और मुझे शेयर करके बताएं कि आपने कैसे बनाया। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी आज की रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ खस्ता कचौड़ी हमारा कितना खस्ता बना है।
तो अब हम इसको आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको हल्के हाथों से प्रेस किया और ये काफ़ी जल्दी टूट गया। और इसका अंदर का फीलिंग देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।